नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश स्पेशल की श्रृंखला में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। इससे कि पहले की वीडियो मैंने उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में बताया था, इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की झीलों के बारे में। तो दरअसल मैं बता दूं कि जो ये टॉपिक है ये पूरी तरीके से फैक्ट बेस है। आपको झीलों के नाम याद करने पड़ेंगे, और चूंकि वन लाइनर प्रश्न में जब भी आप देखेंगे तो आपको झीलों के नाम जब पूछेगा तो यही प्रश्न आएगा कि कौन सी झील किस जिले में स्थित है, तो आपको वो याद करना पड़ेगा। तो दरअसल मैं बता दूं, झील वो होता है ऐसी जलराशि जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरी होती है, झील कहलाती है। झील प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखेंगे तो आपको याद क्या रखना है कि कौन सी झील कौन से जिले में पड़ती है, मुख्य रूप से यही आपसे प्रश्न आएगा। और एक कृत्रिम झील है उसका भी नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो आइए देखते हैं ये यूपी का मैप। दरअसल मैं यूपी का एक सांकेतिक मैप मैंने बना दिया कि इसमें मैं जिले हर जिले को इसमें डिनोट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मैं जिला बताऊंगा उसको मैप में उसकी लोकेशन मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको उसको समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। बाकी आप जब इसको पढ़िएगा तो पढ़ने के बाद आप इसके मानचित्र को जरूर देखिएगा। अब एक मैप अपने पास, आप चाहें तो इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी प्रिंटआउट निकाल सकते हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपने हाथों से एक मैप बनाइए जिससे जिलों की लोकेशन बहुत आसानी से याद हो जाती है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे तो कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले बात करेंगे पार्वती और अर्गा। पार्वती और अर्गा झील जो है वो गोंडा में है। गोंडा की लोकेशन देखेंगे तो करीब यहाँ पर पड़ेगी, इस जगह पर, यहाँ पर करीब गोंडा की लोकेशन पड़ेगी। रामगढ़ताल, चिल्वा ताल ये गोरखपुर में है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गोरखपुर है। बकीरा झील संत कबीर नगर, यहाँ पर देखेंगे अयोध्या के बाद संत कबीर नगर पड़ेगा। कुंदा समुद्र, कुंद्रा समुद्र एवं नवाबगंज झील उन्नाव में है, उन्नाव कानपुर के पास में है। मैप में लोकेशन देखेंगे तो करीब यहाँ पर पड़ेगा उन्नाव। इसके बाद हम देखेंगे तो बड़ा ताल है, बड़ा ताल कहाँ है, शाहजहाँपुर में पड़ता है। शाहजहाँपुर की लोकेशन देखेंगे तो सीतापुर के थोड़ा सा आगे यहाँ पर शाहजहाँपुर पड़ता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रयाग ओम चितौरा बहराइच में, गोंडा के तुरंत बगल में देखेंगे तो बहराइच पड़ता है। विसैथा ताल रायबरेली लखनऊ के पास में देखेंगे तो यहाँ पर करीब पड़ेगा रायबरेली, यहाँ पड़ेगा। देखिए जा बाकी आप अपने पॉलिटिकल मैप में देख लीजिएगा कौन सा जिला कहाँ पर है, मैं बता रहा हूँ आप इनको याद कर लीजिए बस आप, ताकि आपको परीक्षा में जब इससे प्रश्न आए सुमेलित करने के लिए आ सकता है कि एक तरफ जिले लिख देगा एक तरफ झीलों के नाम लिख देगा, आपसे सुमेलित करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पर है। या पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, या इनमें से कौन सा सुमेलित है, या सीधे झील का नाम दे करके आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो सिरसी जलाशय कहाँ है, मिर्ज़ापुर में है, कहाँ पर है मिर्ज़ापुर में। और दरभंग झील कहाँ है, अयोध्या में है। औंधी ताल कहाँ है, वाराणसी में। बेती नैया और अजगरा, ये तीन, बेती नैया और अजगरा कहाँ पड़ती है, प्रतापगढ़ में है। सुरहा ताल कहाँ है, बलिया में है। बलिया सबसे कैसा है, सबसे पूर्वी जिला है बलिया, बलिया में है। और मोतीवा गौर जो है वो रामपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, रामपुर में। और राम ताल कहाँ है, मेरठ में है, कहाँ पर, मेरठ में। कीठम ताल आगरा में है। सेखा झील अलीगढ़ में है। सागर ताल बदायूं में है। बल्हापरा कानपुर में है। तो ये तो हो गए इंपॉर्टेंट, अभी मैं बताऊंगा इनमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सी जिन पर आपको ध्यान देना है उनके बारे में बताएंगे। देवरिया ताल कन्नौज में है। सौज झील मैनपुरी। भिजवान झील हरदोई, यहीं से सही नदी निकलती है, कहाँ से, इसी से भिजवान झील हरदोई से सही नदी निकलती है। गोमल झील या फुलहर ये पीलीभीत में है। और मदन सागर महोबा में। भीखा व सरसई नावर झील कहाँ है, इटावा में है। इसके बाद हम देखेंगे राजा का बांध लौंधी व भोजपुर ताल कहाँ है, सुल्तानपुर में है। दार्शनिक कुंड ये मिश्रिख में। चक्रकुंड कहाँ पड़ता है, ये भी सीतापुर में, ये दोनों कहाँ हैं, सीतापुर में। नैमिसारण में है और ये मिश्रिख में, दोनों हैं कहाँ, सीतापुर में। सीताकुंड भरत कुंड अयोध्या में है। कुसुम सरोवर मानसिक गंगा कुंड गोविंद कुंड गोवर्धन मथुरा में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। और डिठौरा झील कहाँ पर है, फतेहपुर में है। आंधी ताल वाराणसी में। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल दोनों कहाँ हैं, झांसी में है। और शुक्र ताल कहाँ है, मुजफ्फरनगर में है, मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरनगर में। कंफ्यूज मत होइएगा, मुजफ्फरपुर जो है वो बिहार में है और जो मुजफ्फरनगर है वो यूपी में पड़ता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, मुजफ्फरनगर और मुजफ्फरपुर। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ है, सोनभद्र में है। और बक्सी का ताल नाम से या इटौंजा झील जो है, इटौंजा झील कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। और यहीं पर बक्सी का ताल नाम से, बक्सी ताल भी यही पड़ता है। तो इटौंजा झील और दोनों ही लखनऊ में। तो ये तो हो गई जो मैंने एक तरफ से बता दिया कि इतनी सारी झीलें हैं। अब इनमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि परीक्षा की दृष्टि से कौन कौन परीक्षा में आ सकती हैं, इम्पॉर्टेंट पे हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी झील थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर पार्वती अर्गा इम्पॉर्टेंट है, रामगढ़ ताल बखीरा इम्पॉर्टेंट है,
इसके बाद हम देखेंगे तो बड़ा ताल आप याद रख सकते हैं, नवाबगंज झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे तो औंधी ताल इम्पोर्टेंट है और बेती नैया, ये दो इम्पोर्टेंट हैं। सुरहा ताल इम्पोर्टेंट है और कीठम ताल इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम देखेंगे तो सागर ताल के ऐसे ये रहने दीजिए। और इधर आप देखेंगे तो देवरिया ताल, देवरिया ताल इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि आप देवरिया डिस्ट्रिक्ट में कन्फ्यूज कर सकते हैं, देवरिया ताल पड़ता कहाँ है, कन्नौज में है। उसके बाद में देखेंगे तो गोमल या फुलहार झील इम्पोर्टेंट है और सरसई नावर झील इटावा की, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे तो राजा का बांध इम्पोर्टेंट है, राजा का बांध। और उसके बाद में ये दार्शनिक कुंड और चक्रकुंड याद रखिएगा, सीतापुर में है। इसके बाद ये सीता कुंड और भरत कुंड मैंने बताया आपको, और कुसुम सरोवर, मानसी गंगा और गोविंद सागर, गोवर्धन याद रख लीजिएगा, और अलवारा झील कौसाम्बी, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे तो औंधी ताल, देखिए दो बार हो गए, यहाँ पर औंधी भी यहाँ पर भी है, तो एक यहाँ पर आप हटा दीजिएगा ताकि आपको एक याद कर लीजिएगा, दोनों बात हुई है। बरुआ सागर और लक्ष्मी सागर, ये दोनों कहाँ हैं, झांसी में, ये इम्पोर्टेंट है। शुक्रताल, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, बाकी के आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आप पढ़ सब लीजिएगा, आपके दिमाग में कभी ऐसे प्रश्न आ जाए तो आप उसको कर ले जाएँ, ताकि इसलिए क्योंकि जो मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ ऐसा तो है नहीं कि जो मैं बताऊँगा वही वही एग्जाम में आएगा, ये मैं इस हिसाब से बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछे गए हैं, बाकी के जैसे हैं ये नहीं पूछेंगे, लेकिन आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं होता है कि पेपर जो पूछा गया वही पेपर में बना दिया जाएगा, नए क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आप लोग इसको याद पूरा कर लीजिएगा जितने मैंने बताया। लेकिन जो ये मैंने बताया इनको तो आप ज़रूर से ज़रूर आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। और आप जान रहे हैं कि अब जब यूपी की जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उनमें यूपी स्पेशल की महत्ता धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ऐसे ऐसे टॉपिक भी आप जो, क्योंकि अब यूपी स्पेशल का सिलेबस देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब आप उसको काफ़ी अच्छे से गंभीरता से पढ़ेंगे तो आपको सिलेबस काफ़ी बड़ा दिखेगा, लेकिन अगर जो आप उसको एक बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ इसको आप उसी तरीके से करते जाएंगे तो यूपी स्पेशल पूरी तरीके से आप कंप्लीट कर ले जाएंगे। तो आप देखें तो इनको याद करिए, मैप के जरिए याद करेंगे, आप इसको चाहें तो एक डिस्ट्रिक्ट को बना करके उन्हीं के पास में लिख सकते हैं, तो वहाँ पर देखेंगे तो चीज़ें वहाँ पर और आसान हो जाएंगी, आप बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसको आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, एक लाइन में लिख लीजिए, मैप में पढ़ लीजिए, जैसे आपको सही लगे उसी तरीके से पढ़ लीजिए। और जब कोई कहता है कि मुझे चीज़ें याद नहीं हो रही, हम जो पढ़ते हैं वो याद नहीं होता, सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप मान लीजिए कोई एक स्पेशल चीज़ है जो आपको याद नहीं हो रहा है, एक स्पेशल मैटर है, कोई पन्ने पे आप उसको नोट कीजिए, नोट करने के बाद उसकी फ़ोटो खींचिए, फ़ोटो खींचने के बाद उसके अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लीजिए, सोते जागते जब देखेंगे तो आपको वॉलपेपर पे वो स्क्रीन पे आपको ज़रूर दिखेगा। तो जो बार बार जो चीज़ दिखती है तो फिर वो याद ही हो जाती है, तो जब आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे वो चीज़ लगा लेंगे तो आपको जब भी आप मोबाइल को ऑन करेंगे तो आपके सामने वही इमेज बार बार आ जाएगी। तो ऐसे फैक्ट जो आपको याद नहीं हो रहे उसको आप याद कर लेंगे, लगा लेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगी। बाकी आप चाहें तो होता यही है कि अपने जहाँ पर कमरे पर सोते हैं वहाँ पर आप सामने चिपका लीजिए, आप जिस तरीके से पढ़ सकते हैं उस तरीके से पढ़ लीजिए, लेकिन जो मैंने बताया मोबाइल के जब आप वॉलपेपर पे लगाएंगे तो वो आपको सबसे ज़्यादा आसानी रहेगी आपको याद करने में। तो आज के लिए इतना ही, और दूसरी बात ये भी कि जो चैप्टर मैं नया बताता हूँ उसका मतलब ये नहीं कि आप पीछे के चैप्टर रिवाइज़ मत कीजिए। जैसे मैंने आज ये बनाया कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, इसका मतलब ये कि इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं वो आपको एक घंटे आधे घंटे में उनको पीछे से रिवाइज करते जाना है। जब नया चैप्टर मैं बताऊं तो उसके पहले के भी सारे चैप्टरों को आप रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप उनको रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद मान लीजिए जैसे मैंने बताया आपको कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 मैंने बता दिया, आज मैंने मान लीजिए चैप्टर 5 में बता रहा हूँ, तो 5 तो पढ़िए, इससे पहले 4 जो चैप्टर मैंने बता दिए इनको भी, इनकी भी रीडिंग लगाइए, उसके बाद 5वां पढ़िए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब मैं चैप्टर 6 बताऊँ तो 6 बताने से पहले वो 1, 2, 3, 4 पाँचों के 5वां पढ़ लीजिए, फिर 6ठे नंबर पर आइए। 7वां बताऊँ तो पहले 6 पढ़िए फिर 7वें को भी पढ़िए, तो मतलब 7वें पढ़ने के साथ में ये सभी चैप्टर, इसलिए देखिए वीडियो अल्टरनेट पे आ रहे हैं तो आपको काफ़ी टाइम भी मिल जाएगा, आप पढ़ भी सकते हैं। तो जब चीज़ें बार बार पढ़ेंगे रिवाइज करेंगे तो ये सब बहुत आसान होता है, इसमें कुछ है नहीं, ये बहुत जल्दी आप इनको याद कर ले जाएंगे। इनमें कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं कि मैं बता दूँ कि आप कुछ झीले हैं ऐसे ऐसे, आपको तो याद ही करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो बाकी आप अपने इस तरह पढ़ते रहिए, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।